नैनीताल जिले के ओखल डूंगा में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिससे अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। चार जेसीबी 30 किलोमीटर सड़क को खोलने में जुटी हुई हैं। अब तक 23 किलोमीटर तक सड़क खोल दी गई है। इसके साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि 25 प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 18 परिवारों को आयुर्वेदिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल अतिवृष्टि की वजह से गांव में पानी और मलबा आया है। पशुहानि और जनहानि की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जिले में स्टेट हाईवे सहित 21 सड़कें अभी भी बंद हैं। अल्दुवानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ओखल ढूंगा क्षेत्र में कल अतिवृष्टि की वजह से कोई नाले का जो पानी है वो तटबंध तोड़कर लोगों के घरों में घुसने की सूचना हमको मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। सुबह ही हमने यहाँ से प्रशासन की और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं बिजली पानी और सड़क के, उनकी टीमें मूव कर दी गई थी। जो सूचना प्रारंभिक टीम के माध्यम से दी गई लगभग 8 बजे, उसमें ये अवगत कराया गया कि ओखल ढूंगा डॉन परेवा को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है वो भी, और PMGSY की जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी तरह से वॉश आउट हुई हैं। और जो मेन रोड है PWD की, वो 30 किलोमीटर की सड़क है जो 25 स्थानों पर बंद थी। कुछ जगह पर मलबा आने की वजह से अवरुद्ध थी, कुछ जगह पर कम्प्लीटली डैमेज हो गई थी और पूरी तरह से आवागमन प्रभावित हो गया था। हम लोगों ने आवश्यकता के अनुसार मशीनें मूव करी। कल शाम तक 4 JCBs इन रोडों पर काम कर रही थी, PWD रामनगर के माध्यम से भी और PMGSY के माध्यम से भी।